स्फीयर गिर नहीं जाएगा? नहीं, ये गिर जाएगा, ये गिरेगा, इसमें गिर ही तो रहा है, वही तो है और क्या। ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज मेड टू ट्रांसलेट ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ई नॉट। ये स्फीयर ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। स्मॉल पार्टिकल ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज्ड, यहाँ से एक पार्टिकल रिलीज किया है फ्रॉम देयर, जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। मतलब इसकी जितनी स्पीड रही होगी उतनी स्पीड इसको भी दी शुरू में और फिर रखा, तो इसलिए बोल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में जो इनिशियल स्पीड है इसकी वो क्या है, जीरो। क्लियर है आपको? ये जब ए नॉट से जा रहा है, जब आप उसको रख रहे हैं, स्फीयर के पास कोई स्पीड थी उतनी स्पीड आपने उसको दे के रखा। यस सर। बिल्कुल कनेक्ट, सही कह रहे हो आप, रख दिया इसको यहाँ पर। तो पहले तो ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा, किस साइड गिरेगा? पीछे। हाँ, क्योंकि आपने क्या करा इस पर, देखो आप इसके रोकोगे जस्ट तो सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए स्पीयर कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है ना। आपने इसके स्पीड बराबर करके रखा, ठीक है, बट ये किस तरह से ड्रॉप होगा, इस तरीके से ड्रॉप होगा। तो इसका आपको स्पीड लिखना है विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो वही स्टोरी है, सेम स्टोरी, विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर ही सारी बातें करनी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर ही सारी बातें करनी है। तो आप देखोगे कौन कौन से फोर्सेज, अब फिर वही विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर नॉर्मल का वर्क डन जीरो, विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगी, तो विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर स्टिल द वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स विल बी जीरो। सुडो फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होगा, बिकॉज सुडो फोर्स एक कॉन्स्टेंट फोर्स है यहाँ पर और उसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का कम्पोनेंट है, ठीक है ना, उसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का कम्पोनेंट साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है, ऑब्जर्वर आपका स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर पर बैठा है। तो वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई सुडो फोर्स वर्स वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स सारे किसके बराबर होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फॉलिंग स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू दिस बिगर स्फीयर, ठीक है। एम जी का वर्क डन कैसे लिखते हैं, ये पहले भी बात हुई थी कल, एक हॉरिजेंटल लाइन ये रही, दूसरी और फाइनल पोजिशन की हॉरिजेंटल लाइन ये, सीधे दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो, ठीक है ना। तो टुवर्ड द ग्राउंड ही गिर रहा है, तो इसलिए आपका एम जी का वर्क पॉजिटिव आ जाए। ये लेंथ आपकी कैपिटल आर है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी कैपिटल आर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर कॉस थीटा। तो ये कितना ड्रॉप कर गया, दोनों हॉरिजेंटल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो इसलिए एम जी का वर्क आ गया एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स में बता चुका हूँ विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, ध्यान रखेंगे मेरी बात, ये इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होगा, केवल किसके रिस्पेक्ट में है, स्फीयर के रिस्पेक्ट में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इस स्फीयर के टेंजेंशियल, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा आएगा, स्फीयर के रिस्पेक्ट में प्लस स्फीयर का एड नहीं करना पड़ेगा उसमें, समझ रहे हो। तो जब ये आप दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन के अलावा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस स्फीयर पर, फॉलिंग स्फीयर पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं है, बट विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर इट इज स्टिल जीरो, क्योंकि मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ वर्क ऑलवेज फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर आपका नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो है। सुडो फोर्स का वर्क कैसे लिखेंगे रूपाली, बताइए, सुडो फोर्स का वर्क लिख पाएंगे, अगेन द कॉन्स्टेंट फोर्स है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका कंपोनेंट दो करोगे इसके, तो अलोंग द एम ए नॉट और परपेंडिकुलर टू द एम ए नॉट, तो एम ए नॉट के अलोंग क्या आ गया कंपोनेंट, बताओ ये आएगा कि यहाँ से यहाँ, ये वाला कंपोनेंट, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये डिस्टेंस आपका आर साइन थीटा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा एम ए नॉट इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी है आपकी, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात एकदम। तो बस अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व कर लो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ थीटा करके, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एम कितना आ जाए, ये निकल के आ जाए, ठीक है, अंडर रूट टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू ए नॉट आर साइन थीटा, इसमें दिक्कत तो नहीं है? No, बात क्लियर है सबको एकदम? यस सर।
आज 12 है या 11? आज तो 11 है, नहीं 11 है ना? यस सर, ऐसा 11 है, 11 है सर, 12th का दिखा रहा है। हाँ तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा आपको एकदम, कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी बिल्कुल आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आप क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ गया है। तो ध्यान रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।